दिवाली का जो फंक्शन है पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है, यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद ये मिडिल ईस्ट सारे में भी मनाया जा रहा है, क्या वजूहत है, उनको इतनी प्रायोरिटी क्यों मिल रही है दुनिया में? यह है कि सऊदीया या गल्फ कंट्रीज की अगर बात करें, वहाँ पे दिवाली के त्यौहार को जो कि हिंदुओं का त्यौहार है उसे प्रॉपर सेलिब्रेट किया जा रहा है वहाँ पे प्रॉपर, मतलब और ना सिर्फ सऊदीया, यूएस में, दुनिया के मुख्तलिफ कंट्रीज में सेलिब्रेट किया जा रहा है, मनाई जा रही, दुबई को सजा भी दिया गया है। तो क्या कहेंगे जिस तरह से सनातन धर्म के फेस्टिवल को पूरी दुनिया मना रही है, स्पेशली इस्लामी कंट्री? नमस्कार दोस्तों, दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं भारत में सभी धर्मों के लोग रहते हैं और भारत में सभी त्यौहार मनाए जाते हैं, जिनमें से दिवाली भारत में बहुत खुशी से मनाया जाता है। दिवाली भारत का एक महत्वपूर्ण त्यौहार है, यह दोस्तों यह भारत का बहुत महत्वपूर्ण त्यौहार है। ये धनतेरस के बाद नरक चतुर्थी और उसके बाद गोवर्धन पूजा होती है, उसके बाद भैया दूज आता है। दोस्तों जैसा कि सऊदी अरेबिया में पूरी मार्केट को सजाया गया था, दिवाली मुस्लिम देशों में खूब मस्ती के साथ मनाई गई, भारत में तो यह दोस्तों बहुत खूब मस्ती के साथ मनाया जाता है। आप सोचोगे तो मुस्लिम देशों में कैसे मनाया गया, इसका कारण है कि दोस्तों मुस्लिम देशों से हमारे अच्छे संबंध है। दिवाली पर हम लक्ष्मी माता की पूजा भी करते हैं और बच्चे से लेके बूढ़ों से लेके सब खुशी से मनाते हैं। दूसरे देशों में भी खूब पटाखे छोड़े गए और भारत में यह है क्योंकि यह है दोस्तों श्री राम ने रावण पर विजय पाई थी, यह सच्चाई का प्रतीक है, इसलिए भारत में दीपावली बहुत खुशी से मनाया जाता है। श्री राम 14 वर्ष का वनवास करके अयोध्या लौटे थे, इसलिए दीये के दिए लोगों ने जलाए थे। और दूसरे देशों में, मुस्लिम देशों में भी खूब मस्ती के साथ यह त्यौहार मनाया गया और भारत में घी के दीप से जगमग हो गया और दूसरे देशों में भी मार्केटों को सजाया गया। दिवाली एक सच्चाई का त्यौहार है, यह असत्य पर सत्य की जीत का त्यौहार है। दोस्तों जैसा कि आप देखोगे कि मुस्लिम देशों में भी यह बड़े खुशी से मनाया गया। चलो वीडियो देखते हैं, उसके बाद मिलते हैं वीडियो। जब हमारी ईद आती है तो पूरी दुनिया के अंदर कभी भी इस तरह से नहीं मनाया जाता, सऊदी अरेबिया के अंदर भी इस तरह से, मतलब कि कभी भी हमने नहीं देखा कि हमारे त्यौहार को अमेरिका ने मनाया हो, तो क्या वजह थी, इंडियंस को इतनी प्रमोशन क्यों मिल रही है? हम बात करें दुबई की, दुबई ने 4 दिन की छुट्टियां दी हैं दिवाली के इवेंट के लिए स्पेशल। सर क्या वजूहत है कि हमारे इस्लामिक दिवाली का उस फंक्शन को, उस त्यौहार को पूरी दुनिया के अंदर मनाया जा रहा है जोरों शोरों के साथ, मिडिल ईस्ट क्या, ऑस्ट्रेलिया क्या, यूएसए क्या, पूरी दुनिया के अंदर मनाया जा रहा जोर, ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी, पूरी दुनिया के अंदर, बताना ये चाह रहा हूँ, पूछने का मकसद ये है, जब हमारी ईद आती है तो पूरी दुनिया के अंदर कभी भी इस तरह से नहीं मनाया जाता, सऊदी अरेबिया के अंदर भी इस तरह से, मतलब कि कभी भी हमने नहीं देखा कि हमारे त्यौहार को अमेरिका ने मनाया हो, तो क्या वजह थी, इंडियंस को इतनी प्रमोशन क्यों मिल रही है? जी देखें, एक तो इंडिया की जो ग्रोइंग इकोनॉमी है उसका बड़ा फैक्टर है कि दुनिया पे जो जिस तरह वो अभी बढ़ रहा है, और उसके अलावा जिस तरह वो इवेंट्स करवा रहा है, जिस तरह ICC वर्ल्ड कप हो गया, और उसके अलावा इंडिया की ज्योग्राफी हो गई, और उसके अलावा हमारे खत्ते में सबसे ज़्यादा ये जो मतलब अगवान वार रही है उसमें हमारी पार्टिसिपेशन अलायंस रहा है, उसकी वजह भी बहुत हो सकती है। और उसके अलावा जो इंडियंस कल्चर है वो हम भी मनाते हैं, देखें अब होली जो होती है, होली पाकिस्तान में जो है सबसे ज़्यादा सिंध में मनाई जाती है, और उसके अलावा इधर मनाई जाती है जहाँ पे हिंदू होते हैं, और ज़्यादातर अमेरिका में जहाँ पे वेस्टर्न कंट्रीज है वहाँ पे भी होली मनाई जाती है। उसकी कुछ होली के त्यौहार को इतनी, आज 12 नवंबर दिवाली का दिन है जो हिंदुओं का एक मतलब त्यौहार है, सऊदीया से ये खबर आ रही है, खबर के मुताबिक वहाँ मुख्तलिफ एरियाज में इसे सेलिब्रेट किया जा रहा है, क्या समझते हैं, ठीक कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं? देखिए पहली तो बात ये है कि अगर सऊदीया जो है वो पाकिस्तान पूरी उम्मत मुस्लिमा का एक गढ़ है, क्योंकि वो हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वहाँ पे, और हमारा भी काबा शरीफ है, मक्का मुकरमा है, ये चीज़ अगर चीज़ को मद्देनजर रखते हुए देखा जाए तो हमारा कॉन्सेप्ट बनता ही नहीं है कि भाई हम इस चीज़ का नाम भी लें, क्योंकि हमारे इस्लाम में, हमारे कुरान में इस चीज़ का ना तो कोई कॉन्सेप्ट है ना ही कोई जिक्र है, क्योंकि ये दिवाली आजकल जो आम है ना, अगर देखा जाए मुस्लिम लोगों में भी ये चीज़ आई जा रही है, जो आप देखते हैं 12 रबीउल अव्वल है, कोई कहता है इस दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए, तो कोई कह रहा है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस दिन वफात हुई थी, ठीक है, जब वो आपने जो दिवाली के हवाले से बात की है कि हमें सोचना भी नहीं चाहिए, मतलब ये तो नहीं कोई कह रहा कि आप उसे सेलिब्रेट करें, वो किसी की मर्जी, आप सेलिब्रेट करें या ना करें, लेकिन अगर हिंदू कम्युनिटी आपके इर्द गिर्द रहती है वो अगर सेलिब्रेट करती है तो वो भी गलत है, लाइक पाकिस्तान में अगर रह के कोई सेलिब्रेट कर रहा है हिंदू,
देखें इस्लाम ने इस चीज़ की इजाज़त दी हुई है कि वो कहता है अगर आप किसी के उसको मज़हब में उसे ना तो हम दखल अंदाजी दे सकते हैं ना ही हम किसी के अगर जब तक हम उनको तंग करेंगे फिर वो हमें भी तंग करेंगे, जब हम उन्हें तंग नहीं करेंगे उनको आज़ादाना ज़िंदगी गुजारने देंगे। तो ये दोस्तों जैसा कि आपने देखा मुस्लिम देशों में भी दिवाली जोरों से पकड़ रही है और ऐसा और मुस्लिम देश है जहाँ पर दिवाली बहुत अच्छे से मनाई जाती है वो इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में दिवाली बहुत ज़ोरों से मनाई जाती है, वहाँ इतना बड़ा मुस्लिम कंट्री होने के बाद भी ये कहा जाना गलत नहीं है कि इंडोनेशिया में दिवाली और हिंदुओं के 70% त्यौहार इंडोनेशिया में मनाए जाते हैं दोस्तों। और वहाँ एक हिंदू मंदिर भी है जो बहुत फेमस है दोस्तों, और यहाँ के मुस्लिम लोग भी दिवाली मनाते हैं। और इस देश में लोग लक्ष्मी माता की पूजा करते हैं और जो मुस्लिम है वो भी पूजा करते हैं, और यह कहा जाना गलत नहीं है कि इंडोनेशिया एक हिंदुत्व की भावना रखने वाला एक देश है। यहाँ पर खूब बच्चे पटाखे उठाते हैं, यहाँ एक तट पर मार्केटों को भी सुंदर दिवाली पे सजाया जाता है यहाँ पर, और जो होते हैं हिंदू के सभी त्यौहार यहाँ पर अच्छे से मनाते हैं और भगवान श्री राम की पूजा करते हैं। जिस प्रकार से यहाँ पर रामलीला मनाई हिंदुस्तान में रामलीला मनाई जाती है, इंडोनेशिया में भी रामलीला त्यौहार अच्छे से मनाया जाता है, मंचों पर रामलीला की जाती है, उसके बाद ये बच्चों के साथ फुलझड़ियाँ पटाखे और छुड़ाते हैं और ये अपने मंदिरों में और छोटे से इंडोनेशिया शहर में इतना सब कुछ होता है जो अच्छे से यहाँ जीवन व्यापन करते हैं और भगवान राम की पूजा करते हैं, इसलिए यहाँ दिवाली एक मुख्य पर्व मनाया जाता है। और सऊदी अरब में भी दिवाली अच्छे से मनाई गई है और अच्छे से रहा गया है। चलो दोस्तों मेरी वीडियो को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे, साथ में बेल आइकन को दबा दे। हैप्पी दिवाली, जय हिंद जय भारत दोस्तों।